हेलो गाइस, वेलकम टू सुनीता किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, जो है दाल वाले पराठे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर करें। तो वीडियो को शुरू से ले कर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या कुछ इसके अंदर ऐड किया है और कैसे बनाए। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है। आटा आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। और यहाँ मैंने धनिया ले लिया है, ये हरी मिर्चें हैं। और ये मैंने एक प्याज काट लिया, छोटा छोटा इसको काट लिया था मैंने। और यहाँ मेरे पास है ये, मैंने ये रोस्ट कर लिया था, ये ज़ीरा और धनिया। और ये अजवाइन, अजवाइन मैंने रोस्ट नहीं की, मैंने ऐसे ही ले ली। और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसके अंदर, ताकि इसका भी फ्लेवर इसके अंदर है। और ये अजवाइन जो मैंने ली है, ये मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और ये भून के डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके अंदर मैं, ये बेसन है मेरे पास, ये भी डाल दूँगी। तीन चम्मच भर के बेसन के भी डाल दिए। और साथ ही मैं इसके अंदर ये रेड चिली पाउडर भी डाल दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने दाल बनाई हुई तो उसके अंदर भी मिर्च मसाले डालने में, और फिर ऊपर से हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। और नमक भी अभी मैं थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि दाल के अंदर भी है, तो नमक भी अभी इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैं, ये मैंने मूंग की दाल बनाई थी, जो कि अभी ये कुछ तो खाई गई है, कुछ ये बच गई है, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ हम इस आटे को मसल लेंगे। चलिए पहले इतने से ये गूंद के देखते हैं। अगर आप इसके अंदर मेथी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे घर पे बच्चे पसंद नहीं करते मेथी का फ्लेवर। लेकिन वो डालेंगे तो उससे और ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आएगा, इन पराठों का बहुत मज़े के बनते हैं। आटा मैंने दाल के साथ जितना इसको मसलना था मसल लिया। अभी थोड़ा सा ये इसको पानी डाल के थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। एक चम्मच बेसन जो मेरे पास बचा था, मैंने वो भी इसके, पहले मैंने तीन चम्मच डाले थे, फिर मैंने एक और चम्मच जो मैंने बचा लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये इतने मज़े के बनते हैं पराठे, आप ज़रूर इन पराठों को अपने घर पे बनाएं, ट्राई करें। के साथ दही की चटनी, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी इसके साथ बनाएंगे। मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए रख दिया था, तो अभी हम इसके पेड़े बनाएंगे और पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। ऐसे डाल, ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं। इसके अंदर बेसन का और जो दाल का और बाकी मैंने जो चीज़ें डाली, उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। ज़्यादातर लोग इसको चाय के साथ भी खाते हैं। यहाँ मैंने तवा रख दिया है, सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है तवा गर्म होने में। तवा भी मेरा थोड़ा मोटा वाला है, तो जब तक तवा गर्म होता है मैं अपने पराठे को बेल लेती हूँ। पहले हाथों से यूँ इसको फैला लें। अब अपनी मर्जी से अगर
मोटा रखना चाहते हैं इसको तो मोटा रख सकते हैं, अगर थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं और छोटे पराठे बनाना पसंद करते हैं, छोटे बनाएं बड़े बनाएं, लेकिन मैं अपने पराठों का साइज सिर्फ इतना रखूँगी और थोड़ा सा इनको यूँ मोटा रखूँगी, ये देख सकते हैं थोड़ा सा। कवर हो जाता है इसके साथ, आप वीडियो इसको शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखा करें, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ डाला है और कैसे ये बने हैं। तो आधी वीडियो देखेंगे फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर मैंने क्या कुछ डाला था। ये सिलेंडर पे जब पराठे कोई भी चीज़ बनाओ इसके सेंटर में आग लगती है तो फिर सेंटर में से खाना जलने लग जाता है। मज़े के पराठे बने हैं और ये एक लास्ट वाला ये बना लें। तो फाइनली मेरे पराठे बनके रेडी हो चुके हैं, दाल और बेसन वाले, और ये आटे के अंदर ही मैंने दाल और बेसन को डाल दिया था। इसके अंदर मैंने जो बाकी के प्याज और ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर सब डाल के इसको मैंने नमक मिर्च डाल के बनाया। ये बहुत मज़े के बने हैं, इसको पुदीने के चटनी के साथ, इसको रायते के साथ सर्व करें, इसके साथ खाएं तो इसका मज़ा और दुबारा हो जाता है। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, अगर आपको भी अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने घर पर भी ये बनाएं, ट्राई करें, क्योंकि खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दाल थी मेरे पास, मैंने रात को बनाई थी और जितनी खानी थी चावलों से खा ली, बाकी जो बची थी मैंने वेस्ट नहीं करी थी, मैंने इसी तरह से आटे के अंदर गूंथ के तो पराठे बना लिए और ये इतने मज़े के बन गए। तो इसी तरह से आप भी खाने का वेस्ट नहीं किया करें, इसी तरह से आप भी बच्चों को बना के दें, उनको भी पसंद भी आएंगे, चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और मेरा एक और चैनल भी है ब्लॉगिंग का, डेली रूटीन के नाम से, तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी देखें और मेरे ब्लॉग्स को भी देखा करें और ब्लॉग्स को भी लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, फिर आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।